कोरोना संकट के विपरीत परिस्थितियों के बीच शनिवार को आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई गई। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर दीपक आर्य ने ध्वजारोहण किया और देश के वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रगान एवं मध्य प्रदेश गान का गायन हुआ। इसके बाद नगर के सभी शासकीय कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण देखा गया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में कलेक्टर के अलावा अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सहायक कलेक्टर अक्षय तोमरवाल, दलीप कुमार एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं शासकीय कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार मुख्य समारोह एवं परेड का आयोजन नहीं हुआ और न ही स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज़ादी की इस 74वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों को, पूरे जिलावासियों को और समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। और आज के दिन हम अखंड जितने असंख्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे जितने महापुरुष जिनके बलिदान से हमको आज़ादी मिली, उन सबको हम पूरा प्रदेश याद कर रहा है।
और प्रदेशवासियों सबसे मेरा यही निवेदन है कि कोरोना जिस तरह से एक महामारी के रूप में फैली है और इसमें हमारे बहुत सारे बड़े अभिनेता, नेता, मंत्री, विधायक सभी लोग इसमें ग्रसित हो रहे हैं, तो इसमें बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। तो सबसे निवेदन है कि शासन के जैसे निर्देश दिए गए हैं उस सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए हम स्वतंत्रता की जो अपने त्यौहार है महापर्व, इसको हम लोग सब आपसी भाईचारे के साथ मिलकर हम लोग मनाएं। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को और नगरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत गुरु प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रशासक नगर पालिका परिषद मलाजखंड। लक्ष्मण सिंह सारस, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मलाजखंड एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण नगर पालिका परिषद मोहगांव मलाजखंड। घर से बाहर निकलते समय फेस कवर और सोशल डिस्टेंस का पालन कर कोरोना संक्रमण को रोकने में योगदान निभाएं। नगरपालिका के करों का भुगतान समय पर कर पालिका के विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करें। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन समय पर कराकर अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। अपने घरों का कचरा मार्ग पर न डालकर नियत स्थान पर ही डालें, जिससे पर्यावरण दूषित न हो और पर्यावरण की रक्षा हेतु एक वृक्ष अवश्य लगाएं। नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु नगर पालिका परिषद मलाजखंड को सहयोग प्रदान करें। बालाघाट जिले में शनिवार को कोरोना से एक वृद्ध की मौत हो गई है। यह कोरोना संक्रमण के बीच जिले में पहला मामला है। मरीज को बीते एक दिन पहले ही लाया गया था, जिसे गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रिफर किया गया, किंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। अब तक 180 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बताया गया कि मृत वृद्ध को कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां भी थी। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस घटना की पुष्टि करते हुए मरीज के रहवासी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ ही कोरोना मरीज होने के कारण उसका अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल नियम के तहत कराया गया। कल शाम को जिला अस्पताल में आए थे। जिला अस्पताल में तत्परता से उनको अटेंड किया गया। जब वो वहाँ पर आए थे तो उनको श्वसन की समस्या थी, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी। जब आशा कार्यकर्ता और सब लोगों के घर में उन्होंने द्वारा कुछ नहीं बताया, जब पता चला कि उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कहीं नहीं गए, लेकिन एहतियात के तौर पर जब उनका सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद उनको छिंदवाड़ा रेफर किया गया, तो जिला चिकित्सालय में प्रोटोकॉल का पूरा पालन जिला चिकित्सालय ने किया और उनको छिंदवाड़ा भेजा। और जब उनको निकाला, रेफर करने के बाद वो बालाघाट की सीमा पर ही पहुँचे थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत जब उनका ट्यूमर मशीन जो हमारी जिले में है उसमें जब उनका टेस्ट लगाया गया था, जो कि पहले लगा दिया गया था, वो पॉजिटिव आया। लोड भी पॉजिटिव है, मतलब बहुत कम वायरल लोड उनका था। लेकिन ये हम लोगों के लिए चेतावनी वाला बात है। जैसा मैं हमेशा हर बार मैंने अपील अनुरोध किया है सभी से कि जैसे ही समस्या हो, कृपया व्यवस्था पर विश्वास करके आपको जिला चिकित्सालय को और फीवर क्लिनिक में जाके रिपोर्ट करना है, जिससे कि हम लोग त्वरित एक्शन उस पर ले पाएँ। ये जो व्यक्ति थे ये क्लिनिकों में, एक दो क्लिनिक में भी गए, बाहर भी दिखाने गए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर नहीं किया। मैंने जैसे आपसे पहले भी अनुरोध किया कि हम जितना जल्दी अपना इलाज प्रारंभ कर पाएंगे उतना जल्दी हम लोग बचने की संभावना हमारी होती है। चूँकि इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, ये कहीं बाहर नहीं गए थे और इनके परिवार में भी किसी का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, इस कारण से आशा कार्यकर्ता जब भी इनके पास गई और जब भी इन्होंने बताया तो स्वस्थ है, इन्होंने अपने आप को बताया। ये मृत्यु हुई है, इसमें कई सारे और कारण हैं। वैसे कोमोर्बिडिटी उनको थी, वो हाइपरटेंशन भी थे, डायबिटीज़ भी उनको थी, एज भी उनकी 67 ईयर्स के आसपास है। तो मैंने जैसे कल भी अनुरोध किया था, उससे पहले मैं कई बार अनुरोध करता रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर प्रभाव इस बीमारी कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं जिनको कोई अन्य बीमारी है उनके ऊपर प्रभाव की संभावना ज़्यादा है। इसलिए बार बार जो अपील करी जाती है कि हमको क्वारंटीन रहना है, जिला प्रशासन को रिपोर्ट करना है, यदि समय रहते आप रिपोर्ट करेंगे, समय रहते सभी लोग बताएंगे, तो हम लोग इस जंग में जीत पाएंगे और कोरोना को हम लोग हरा पाएंगे।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार रानी अवंती के जन्मोत्सव पर लोधी महासभा के कुछ पदाधिकारी ही बस स्टैंड पहुंचकर अवंती चौक में माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोधी महासभा के अध्यक्ष उमेद लिल्लारे ने लोधी समाज के समस्त बंधुओं से जन्मोत्सव की संध्या बेला में अपने घरों में 5 दीपक जलाने एवं घरों को रोशन करने की अपील की है। इस मौके पर उनके अलावा लोधी महासभा के अन्य पदाधिकारियों में सौरभ लोधी, गगन नकपुरे व अन्य मौजूद रहे। वाले लोगों से कि आप जहां भी बालाघाट जिले में जिन गांव में भी जिस क्षेत्र में भी रानी अवंतीबाई की प्रतिमा आप सबको मिलती है, रानी अवंतीबाई की प्रतिमा है, वहां जाकर कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महामारी का ध्यान रखते हुए आप सब बालाघाट जिले में दिन में रानी अवंतीबाई का जन्मदिन मनाएं, पूजा पाठ करें। और पूरे बालाघाट जिले के साथियों से मेरा एक अपील है, निवेदन के साथ है, समाज के लोग भी और रानी अवंतीबाई को शहीद को चाहने वाले लोगों से भी निवेदन है कि शाम को उस शहीद की याद में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर में 5 दीपक अवश्य जलाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को और मेरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जिले में एक बार फिर भारी वर्षा का अनुमान मौसम विभाग विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने जताया है। अल्प अवधि में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में तारीख 15 से यह भारी वर्षा जिले में कहीं पर भी हो सकती है। जिला कृषि मौसम इकाई डॉक्टर आर.एल. राउत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट द्वारा यह जानकारी साझा की गई है। और बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना के मरीज स्वास्थ्य विभाग के कोरोना सैंपल और रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कोरोना मरीजों का यह वायरल वीडियो। इनके पास में डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। आइए हम ऐसे एक पॉजिटिव पेशेंट से मिलवाते हैं। भाई आपका नाम क्या है? सुनील भोयर। सुनील भोयर, आप कहाँ से आए थे? हम कर्नाटक से चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से पहुँचे हैं। तो आप जब यहाँ पे पहुँचे तो आपका सिम्टम्स था क्या कुछ? ना, सिम्टम्स तो अभी भी नहीं है, जब आए थे तब भी नहीं था। सैंपल लिया है, उसके बाद में पॉजिटिव मुंह से बोल के लेके आए हैं। हाँ, बस नलिखित में कोई रिपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं दिखा रहा। तो डॉक्टर्स वगैरह ने कुछ सलाह नहीं दिया कि आप पॉजिटिव आए तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिला है इसमें दिखाया ना, गया ना, ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, और इन लोगों ने ना दिया है ना कुछ किया है, नॉर्मली दवाई दे के बैठा दिए हैं बस। तो आपका भी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के रूप में ट्रीटमेंट चालू है? ट्रीटमेंट के नाम पे सिर्फ दवाइयाँ चालू और खाना मिल रहा है बस। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाता। मतलब दो टाइम का खाना मिल रहा है और रहना मिल रहा है बस, उससे ज़्यादा। चलो इसी पे दूसरे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। काका जी आप कहाँ से आए हो? मैं तो लांजी से। आप लांजी से आए हो, कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए? मेरे को तो आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है? तो आप लांजी से ही आए थे कि कहीं और बाहर से आए? मैं नागपुर से। नागपुर से आए और आपका चेकअप हुआ तो पॉजिटिव आ गए? हाँ। कुछ प्रमाण पत्र मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं नहीं, नहीं। तहसीलदार क्या बोले आपको? कुछ तहसीलदार भी बोले सीधा तुम पाजी ये हो। हाँ, सीधा निकल जाओ। तो नागपुर आप कमाने गए थे? हाँ, कमाने गए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सभी कोरोना पॉजिटिव को कहला दी रहेगा कि, और सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच हमारे एक चेतन भैया हैं, इनसे मैं बात कराऊंगा। भैया आप कितने दिन हो गए यहाँ पे? आज 8वां दिन है मेरा। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा, वो भी फ़ोन करके कहा कि आप पॉजिटिव पेशेंट है। हाँ, तो आपके पास में कोई रिपोर्ट मिलेगी ना कुछ मिलेगी? 10 दिन यहाँ रहना, 10 दिन के बाद आपको घर जाना है। तो 10 दिन में कितने बार चेकअप होगा आपका? एक भी बार चेकअप नहीं होगा, ना ही यहाँ पे चेकअप हो रहा है, सिर्फ ऊपर लाके रख देते हैं। हाँ। सुबह नाश्ता ले लो, दोपहर में खाना ले लो, ना ही कोई ऊपर डॉक्टर आता है ना कोई कुछ करता है। दूसरी चीज, यहाँ से जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। इसमें हमारे डॉक्टर पांडे जी का कहना है, उनके लैब में पॉजिटिव केस करके उन्होंने हमें यहाँ रखा गया है। इसमें सिर्फ पांडे जी जो है
वो सिर्फ पैसे खा रहे हैं यहाँ पे। तो पांडे जी ने ही बोला कि आप पॉजिटिव आ गए, कोई पेपर वगैरह नहीं मिला आपको पॉजिटिव के नाम पे? का कोई पेपर मिला ना कुछ कहा जा रहा है। दूसरी चीज़, इस चक्कर में हमारे घर वालों को उठा के ले गया है, यदि कल को हमारे घर में चोरी चकारी होती है तो इसके जिम्मेदार क्या पांडे जी रहेंगे? देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का महत्व यही था कि पॉजिटिव तो उनको घोषित कर दिए रहे हैं, सही बात है, लेकिन उसकी वजह से उनके परिवार वालों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, इनके माता पिता पॉजिटिव आने की वजह से उनको भी साथ में लेके घूम रहे हैं। और पांडे जी से ये कहिए कि कोरोना के लक्षण क्या है, यहाँ जितने लोग हैं ना किसी को सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है। टीवी में जो ऐड दिखा रहा है वो क्या चूतिया बनती है कि जो सरकार ऐड दिखा रही है जिसको सर्दी है खांसी हो वो चेकअप कराए, यहाँ ना किसी को सर्दी है ना खांसी है। जी जी जी, पांडे जी का कहना है ना सर्दी ना खांसी है, आप पॉजिटिव हो, साला कहीं बाहर से जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव। मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे को कौन नौकरी में रखेगा? अच्छा, तो आप ड्राइवर हो, इस वजह से आपको पॉजिटिव करार दिया है? आपको कोई पेपर वगैरह के नाम पे कुछ नहीं मिला है? अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो का महत्व यही था कि इस वजह से हमको तो परेशानी हो रही है, घर वालों को भी परेशानी हो रही है, और घर वाले बेचारे दूसरों का ताना सुन सुन के और परेशान हो रहे हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। वीर शहीदों को और स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में योगदान निभाने वाले समस्त महापुरुषों को सत सत नमन। निवेदक प्रवीण मेश्राम, प्रदेश सचिव भारतीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश।